हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे दोस्तों वीडियो के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? तो दहेज बंदरगाह स्थापित किया गया है दोस्तों, रसायन जो भी केमिकल होते हैं उनकी मांग और आपूर्ति के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? तो सौराष्ट्र के अंदर है दोस्तों रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम धातु का जो निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से किया जाता है, मतलब जो यूरेनियम धातु है वो किस एस्क के खनन से प्राप्त होती है दोस्तों? तो पिच ब्लेड के खनन से प्राप्त होती है दोस्तों यूरेनियम धातु। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं का जो सुव्यवस्थित व समक्रमिक व समकालिक प्रगति है जो कि जीवन को प्रेरित करती है, यह परिभाषा किसने दी? तो जैव अणु ने यह परिभाषा दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार के सीलिया सीमा कितने देशों से लगी है? तो 5 देशों से लगी है दोस्तों म्यांमार की सीलिया सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किसके विरुद्ध चलाया गया? तो ब्रिटिश सरकार व हिंदू जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया दोस्तों मोपाल आंदोलन उत्तरी केरल में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट से क्या मापते हैं? तो ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, मतलब जो स्टोरेज होता है, उसे मापा जाता है दोस्तों मेगाबाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस सुधार के अंतर्गत की गई? तो मार्ले मिटो सुधार के अंतर्गत की गई दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो भड़ाचे को कहा जाता है दोस्तों मुगल काल के अंदर बंदरगाह बाबुल मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीरा की तरह शहजादी भी कृष्ण की उपासक थी, शहजादी ताज बेगम के गुरु विट्ठल नाथ थे, शहजादी ताज बेगम कहाँ की थी? तो फतेहपुर की थी दोस्तों शहजादी ताज बेगम, जो कि कृष्ण की उपासक थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।